सिनेमा की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें एक रहस्य का होना, और ये हमारी भाषा और समझ के परे है। स्टैनली क्यूब्रिक। सिनेमा को समझना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल एक फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर उतारना। इस प्रक्रिया में नॉलेज और रिसर्च के अलावा अनुभव सबसे अहम है। दुनिया के कुछ ऐसे फिल्मकार हैं जिन्हें समझना आसान नहीं, उन्हीं में से एक नाम स्टैनली क्यूब्रिक का है। स्टैनली की सभी फिल्में क्लासिक हैं। स्टैनली जितने अच्छे फिल्मकार थे उससे कहीं अच्छे फोटोग्राफर। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों में कैमरे की कलात्मकता का जादू साफ झलकता है। पहली बार सर स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म देखकर कोई आश्चर्यचकित न हो, ऐसा संभव ही नहीं। उनकी फिल्में बनाने की तकनीक ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित है जिसे समझना सबके बूते की बात भी नहीं। स्टैनली की तकनीक को जिसने भी जितना समझने की कोशिश की वो उतना उलझता चला गया, और क्यों नहीं, स्टैनली उस दौर की सोच और समझ से कहीं आगे की सोच और समझ रखते थे। तभी उन्होंने फिल्मों के लिए ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चुने जिसे कैमरे में कैद करना काफी मुश्किल होता था। लेकिन स्टैनली एक ऐसे फिल्मकार जो सिनेमा की तकनीक को हमेशा बदलने में विश्वास रखते थे। अपने करियर में विजुअल आर्ट फॉर्म को सिनेमा के जरिए स्टैनली ने जिस मुकाम तक पहुंचाया वो किसी और के बस की बात नहीं थी। इसीलिए 21वीं सदी के सबसे बड़े फिल्मकार कलाकार का खिताब स्टैनली क्यूब्रिक के ही नाम है। वो अक्सर D.W. ग्रिफिथ और स्टीवन स्पिलबर्ग का नाम सिनेमा में योगदान के लिए लिया करते थे। Reminds me of a conversation I had with Steven Spielberg about what was the most difficult and challenging thing about directing a film. And I believe Steven summed it up about as profoundly as you can. He thought the most difficult and challenging thing about directing a film was getting out of the car. I'm sure you all know the feeling. Unki har film ko ek revolution ke nazariye se देखा जाता है। स्टैनली ने सीरियन तकनीक और उस दौर में युद्ध के चलते हो रहे पतन और सामाजिक ताने बाने में आ रही गिरावट को फिल्मों में बड़ी बखूबी तरीके से उतारा। उनकी फिल्मों का हर सीन कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड है। फिल्मों में कैरेक्टर से लेकर ड्रेस डिजाइन, स्टार कास्ट तक एक फिलॉसफी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैनली की फिल्म बनाने की तकनीक पर बात करें तो पता चलता है कि वो महीनों तक रिसर्च किया करते थे। लंदन स्थित स्टैनली क्यूब्रिक आर्काइव को देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता है जहां तहखानों के तहखाने तक फिल्म से जुड़े स्क्रिप्ट, स्टोरीबोर्ड और रिसर्च मटेरियल उपलब्ध है। स्टैनली की फिल्मों में एक शॉट्स के 50 टेक तक किए जाते थे। उनका सिनेमा मीडियम पर पूरा कंट्रोल था। फिल्मों के हर शॉट्स में बातों को बहुत गहराई से कहा जाता था। 2001 ए स्पेस ओडिसी के उस शॉट्स को भला कैसे भुलाया जा सकता है जिसमें एक गोरिल्ला मोनोलिथ पत्थर उछालता है और उसके बाद स्पेस शटल दिखाई पड़ता है। इसमें स्टैनली ने ह्यूमन इवोल्यूशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट को आज से करीब 5 दशक पहले फिल्मा दिया था। यानी स्टैनली कितने दूरदर्शी थे इसे बताने की जरूरत नहीं। स्टैनली ने अपने दौर में जितनी भी फिल्में बनाई वो आज भी यादगार है। लेकिन स्टैनली के सपनों का सबसे बड़ा कैरेक्टर नेपोलियन, जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने कई सालों तक रिसर्च भी किया, प्रोजेक्ट फ्लोर पर भी गया, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी की वजह से ये फिल्म बीच में ही अटक गई। दूसरी वजह यह भी रही कि नेपोलियन पर तब तक कई फिल्में बन गई थी। इस प्रोजेक्ट के बाद स्टैनली काफी निराश हो गए। हालांकि उनकी अगली फिल्म बैरी लियंडन में उन्होंने हॉलकास्ट फिल्म की समझ को रुपहले पर्दे पर बखूबी फिल्माया। स्टैनली क्यूब्रिक का बिंदास और ब्रॉड माइंड मन मिजाज बहुत हद तक उस शहर और उसकी आबोहवा की देन थी जहां उनका जन्म।
यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर। पढ़ने में स्टैनली एवरेज छात्र है और स्कूल से कॉलेज तक उनका पुअर अटेंडेंस उनके परिवार वालों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा था। इसी दौरान फोटोग्राफी के प्रति जुनून और फिल्मों के प्रति लगाव ने शायद स्टैनली के भविष्य की भूमिका तय कर दी। Said that all of that was fake. It's only a dream. Thank you.
ये महज संयोग है कि स्टैनली की मौत उनकी फिल्म आइज वाइड शट के खत्म करते ही हो गई। इस फिल्म में सेक्स सीन को लेकर जिस तरीके से फिल्माया गया था उसे लेकर कहीं विरोध तो कहीं प्रशंसा के स्वर भी उठे, लेकिन स्टैनली कब्र से ही कला का एहसास पूरी दुनिया को कराया। स्टीवन स्पीलबर्ग स्टैनली के बहुत करीब रहे। स्टैनली का नेपोलियन पर फिल्म बनाने का सपना अधूरा रहा, लेकिन उनकी फिल्म बनाने की कला का उत्तराधिकारी कोई नहीं हो सकता और ना तो उनकी कला की गहराइयों तक पहुंचने की किसी में कुवत है।